धन्य धन्य सद्गुरु सुखद जो कुछ कहो अपने मन वाणी को एकाग्र करने के लिए एक बार बुलंद आवाज में गुरुदेव का जय घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आवागमन के चक्र को जुटाने वाले, त्रेतापों को जलाने वाले तथा जीव को परमात्मा से मिलाने वाले परमाराध्य गुरुदेव के त्रिलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि साष्टांग नमन। उनकी सेवा में सदा तत्पर रहने वाले गुरुदेव के मानस पुत्र पूज्यपाद पद्म श्री भगीरथ स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। हमारे परम विद्वान आकाशवाणी के प्रखर प्रवक्ता स्वतः श्री ओम प्रकाश पंडित जी, स्वागत समिति के सभी पदाधिकारीगण, सशक्त प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं गुरुओं, सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए सभी गुरु भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप जानते हैं कि यहां पर जो हम लोग एकत्रित हैं, संतगण सत्संग का 29वां वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया है। और क्यों किया गया है? आप 29 लिख गया है, हर व्यक्ति फंसा हुआ है। कहां फंसा हुआ है? माया। सगुण माया, निर्गुण माया, दो क्या बताता है? सगुण और निर्गुण के परे जाए। और नौ क्या बताता है? दो के बाद नौ लिखते हैं। नौ क्या बताता है? नौ द्वार है। हम लोग नौगछिया में फंसे हैं। ये नौ द्वार क्या है? यही नवगछिया है। इसमें हम लोग फंस रहे हैं। मकड़ी को देखते हैं, जाला बनाता है और उसको फंस जाता है। हम लोग भी फंस गए हैं इसमें, इसलिए नव द्वार को पार करें और दसवां द्वार में जाए। और दसवां द्वार जाने के लिए सभी संत महात्मा कहते हैं, सत्कार भी करते हैं। आप पढ़िए कठोपनिषद, तो कठोपनिषद के ऋषि कहते हैं, प्रतिष्ठत जागृत प्राप्य परान्य बोधत चुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्थ कवियो वदंती। कहते उठिए जागिए, नौ द्वार से ऊपर उठिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं, धन नव द्वारा हो रामा अति ही मलिन हो ढाबा तजी चढ़ो दसम द्वार। यानी आज्ञा चक्र में जाइए, तिल में प्रवेश करिए, शहरक में ले जाइए अपने आपको। और वो शहरक कैसा है? तो कहते हैं दुर्गम पथ है। ये क्या है?
दुर्गम पत्थर, और यदि बेसन गेहूं पतला में हो रहा है, नहीं वहां दुर्गम पत्थर है, पतला है, उसमें प्रवेश कर करेगा जो दृष्टि की चेतन धार को जोड़ेगा, दोनों के बीचों बीच सर्वक एक टक देखत रहो, आप ही वो बिंदु झलके पटकी राणी देखत रहो। वो दृष्टि की चेतन धार जो है ना बड़ा बारीक है, और वो कठिन से कठिन पहाड़ों को भी छेदने में समझता है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने भी कहा धर चेतन धारा, संत महात्मा जो उलट जाते हैं, कभी से आप उलटने की बात करते हैं, हम लोग उलटते नहीं। संत कबीर साहब क्या कहते हैं, उलट आच लो पैरों पकड़ो पसरा मना बटो, कहत कबीर सुनो भाई साधो तप हो निष्ठो। अभी स्वामी जी सुना रहे थे हमारे, उलटिए, उलटने के लिए बहुत लोग कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संसार में कैसे रहो, तो कहते हैं 36 है ये संसार में 36 की तरह रहो, हम 66 की तरह रह रहे हैं, ईश्वर की तरफ हमारा वो होना चाहिए और संसार की तरफ हमारा क्या होना चाहिए, बोलिए तो क्या होना चाहिए। पीठ सहजो भाई कहती है जगत पीठ दे भागनी, संसार की तरफ पीठ कीजिए और परमात्मा की तरफ ईश्वर की तरफ मुख करिए, अभी ने चेतन की धार को पकड़िएगा। चेतन की धार वही पकड़ता है जो 36 की आत्मा में हो जाता है, जो संसार से उलटता है। भगवान बुद्ध उलट गए, उनकी बात सुनते हैं, भगवान बुद्ध बिठा दीजिए, अभी बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की, भगवान बुद्ध उलट गए संसार से, भगवान महावीर उलट गए, परमाराध्य गुरुदेव उलट गए संसार से, भगवान बुद्ध के ऐसे शिष्य थे जो चेतन की धार को पकड़े हुए थे, ध्यान ज्ञान में काफी ऊपर उठे हुए थे, आकाश मार्ग में उड़ते थे, पानी पर चलते थे, त्रिकाल दर्शी थे। बतलाते हैं भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे महाकाश्य, भगवान बुद्ध ने अपने पंचभौतिक शरीर कुशीनगर में छोड़ा था, जब भगवान बुद्ध का शरीर छूटा तो बहुत दिनों तक उनके शरीर को तेल में डालकर के सुरक्षित रखा गया, लेकिन शरीर तो नाशवान है, शरीर में तो बदबू आ जाएगी, शरीर तो सड़ जाएगा, फिर भी रखा गया। सारे शिष्य आगे भगवान बुद्ध के महत्वपूर्ण शिष्य बहुत सारे शिष्य आए, महाकाश्यप नहीं आए जो भगवान बुद्ध के बड़े प्रिय शिष्य थे, महाकाश्यप भी आ रहे थे, वो रास्ते में थे, बिच्छुओं के मतानुसार भगवान बुद्ध का अग्नि संस्कार होने लगा, भगवान बुद्ध की चिता पड़ी है, पार्थिव शरीर पड़ा है, और एक भिक्षु ने काठी मारा, अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई, सज्जनों अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई, इतना कोशिश किया गया लेकिन अग्नि प्रज्वलित नहीं होती थी, यानी शरीर जलता नहीं था। महाकाश्यप आ गए, बहुत बड़े योगी थे, ध्यानी थे, वो समझ गए बात कि शास्त्र का शरीर ऐसे नहीं चलेगा, वो पार्थिव शरीर के बीचों बीच में खड़े हो गए और अपनी दृष्टि की चेतन धार को मिलाया, और जैसे ही दृष्टि की चेतन धार मिल गई, अग्नि प्रज्वलित हो गई और पार्थिव शरीर धाए धाए जलने लग गया। हमारे गुरुदेव जी कह रहे हैं धर चेतन धारा अपिंड के पारा, लेकिन चेतन की धार कहां पकड़िएगा, नवद्वार में नहीं पकड़ा जाएगा। क्राइस्ट जीसस ने कहा उस वही घर
शेल कॉल अपॉन द नेम ऑफ लॉर्ड शेल बी सेव्ड, और जो परमात्मा का पुनर्वादन करेगा और चेतन की धार पकड़ लेगा उसको जमराज नहीं पकड़ सकेगा। ध्रुव जी महाराज ने जमराज के माथे पर पैर रख करके परमात्मा की गोद में चले गए, अरे परमात्मा की गोद में चले गए मतलब स्वर्ग लोग चले गए थे, परमात्मा की प्राप्ति ध्रुव जी को नहीं हुई थी, स्वर्ग लोग चले गए थे। प्रहलाद जी महाराज भी स्वर्ग लोग गए थे, हमारे गुरु महाराज जब शरीर छोड़े तो परमात्मा भी मिल गए थे। क्यों मृदु कहते हैं पार गमन ही सार भगति है, लोहिया हीर धार यही मानुष ते सवैया में गुरु परमेश्वर में क्या, ये पार गमन क्या है, यही शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारक महाकारक अकर्मण्य शरीर को पार करे और परमात्मा को साक्षात्कार करे। पूज्य पात्र के चरणों में नमन करता हुआ अपने वाणी को यही मैं विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।